अस्सलाम वालेकुम। आज आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चिकन शामी कबाब की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है, अगर आप इसको एज इज़ फॉलो करेंगे तो कबाब जो हैं वो बहुत रेशेदार बनेंगे। तो एक चीज़ और कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, क्योंकि अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो इसी बीच वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो फिर आप लोगों से मिस हो जाते हैं और फिर रेसिपी का रिज़ल्ट वैसा नहीं आता है। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें। तो कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, पहले आप उनको लिख लीजिए। आपको चाहिए होंगे 6 से 7 लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको रफली आप स्लाइस में कट कर लेंगे। इसके अलावा 4 से 5 साबित लाल मिर्ची, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून आपको ज़ीरा चाहिए होगा, 1 टीस्पून आपको सूखा धनिया चाहिए होगा। इसके अलावा 2 टीस्पून या फिर हसबे ज़ायका आपको नमक चाहिए होगा, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसके अलावा एक बड़ा सा आलू ले लें, और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड नहीं करें। इसके अलावा मैं इस्तेमाल करूंगी 250 ग्राम चिकन बोनलेस थाई का पार्ट, और इसके अलावा 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट पार्ट लेकिन हड्डियों के साथ। आप चाहें तो एक तरह का भी मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसके अलावा 1 कप या फिर 200 ग्राम चने की दाल, जिसको कि मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। इससे आप देख सकते हैं कि चने की दाल को गलने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दाल पीसते वक्त जो चीज़ें चाहिए, उनमें आप लेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज, उसको स्लाइस में कट कर लें रफली। इसके अलावा 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 1 कप धनिया और उसके भी पत्ते ले लेंगे आप, 2 से 3 हरी मिर्चें कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कबाब को कोट करने के लिए आपको 2 अंडे चाहिए होंगे। स्टेप नंबर 1, एक पॉट में दाल और चिकन ऐड करके 2 से 3 कप पानी शामिल कर दें और अब तमाम मसाले ऐड कर दें। तो सबसे पहले शामिल करें नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन के जवे, कटी हुई अदरक, साथ में ही साबित गोल लाल मिर्चें, सूखा धनिया, ज़ीरा। इसके अलावा आलू को भी आप कट करके शामिल कर दें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें और मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो अब आप इसको कवर कर दें और चिकन गल जाने तक के लिए आप इसको पकाएं। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुकी है। अब इन चिकन के पीसेस को मैं रिमूव कर दूंगी और बाकी का जो मिक्सचर है, अब आपने उसको थोड़ी हाई फ्लेम करके इतना पकाना है कि ये जो पानी है ये ड्राई हो जाए, सूख जाए और दाल भी जो है वो गल जाए। तो ये कर लेने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगी। चिकन जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने इसको हड्डी से अलग कर लेना है और पूरे चिकन के पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में आपने तोड़ लेना है इस तरह से। अब आपने जो चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए थे, उनको मोटर पे या फिर आपने सिल है अगर आपके पास तो उस पे आपने इसको कूट लेना है, या फिर हाथों से ही बहुत छोटे छोटे रेशे आपको करने पड़ेंगे। ये स्टेप थोड़ा मेहनत तलब तो है, लेकिन इसी को करने की वजह से ये आप देख सकते हैं कि रेशेदार शामी कबाब तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो फूड प्रोसेसर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरे चिकन को कूट लिया है और अब इसको कवर करके मैं एक साइड पर रख दूँगी।
ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और इसमें हल्का सा मॉइस्चर यानी कि नमी बाकी है और वो आप छोड़ेंगे। उसका एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे के स्टेप्स में बताऊंगी कि ऐसा क्यों करना है। जब दाल का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपने इसको फूड प्रोसेसर में प्याज, धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ पीस लेना है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप दाल के मिक्सचर को भी पीस सकते हैं सिल पे या मोटर में, और जो बाकी की चीज़ें हैं धनिया, प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें, उनको बहुत ही बारीक चॉप करके आप अलग से भी कबाब के मसाले में शामिल कर सकते हैं। तो पूरे मिक्सचर को पीस लेने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। यहाँ पे मैंने पूरे दाल के मिक्सचर को अच्छे से पीस लिया है तमाम हरे मसाले के साथ, और ये मिक्सचर आप देखें कि बहुत ड्राई नहीं है, हल्की सी नमी इसमें मौजूद है। अब इसमें पूरी चिकन शामिल करके चिकन को आप दाल के मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद ये आप टेक्सचर देखें, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, और यही वजह थी कि दाल में थोड़ा सा पानी या नमी आप छोड़ेंगे ताकि कबाब जो हैं वो बहुत ड्राई ना बने। अब कबाब प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके लिए एक छोटी सी टिप है, घर में मुख्तलिफ साइज़ की बॉटल्स होती हैं तो उसका आपने एक ढक्कन ले लेना है, जिस साइज़ का आप कबाब बनाना चाहते हैं उस साइज़ का आप ले लें, और एक क्लिंग रैप लेके या फिर प्लास्टिक शीट, उसको इस ढक्कन के ऊपर रख के कबाब का मिक्सचर ऐड करें और अच्छे से प्रेस करें। आप चाहें तो रेगुलर जो तरीका है हाथ से, या फिर अगर आपके पास पैटी प्रेस है तो उससे भी आप शामी कबाब बना सकते हैं। इसके बाद सिंपल आपने शीट को पुल करना है और ये देखें कि कबाब तैयार है। इसी तरह से तमाम कबाब तैयार कर लें। एक ही साइज़ और शेप के तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। इसी स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब आप एक बोल में अंडे को फेंट कर इसमें कबाब को डिप करके थोड़े से ऑयल में आप इनको फ्राई कर लें। मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे, आप हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे वरना इनका कलर अच्छा नहीं आएगा। जब एक साइड कुक हो जाए तो आप इसकी साइड को चेंज कर दें और इसी तरह से तमाम कबाब को आप फ्राई कर लें। रेसिपी से तकरीबन 25 से 26 मीडियम साइज़ के कबाब तैयार हो जाएंगे, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। चिकन शामी कबाब को बिरयानी के साथ, पुलाव के साथ, पराठे के साथ, दाल के साथ, या फिर आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।